ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आज हम आपको मुंब्रा के विकास की तस्वीरें दिखाएंगे। ये तस्वीरें संजय नगर, तनवर नगर और वाई जंक्शन की हैं। इन जगहों की आप तस्वीरें देखने के बाद मुंब्रा शहर की हुई विकास की तारीफ करने पर मजबूर हो जाएंगे। चौंकिए मत, किस तरह का विकास हुआ है। हम आपको पहले संजय नगर के पास जो रोड के किनारे विकास हुआ है वहाँ की तस्वीरें दिखाते हैं। संजय नगर के नाके पर पड़ा हुआ कचरा जो लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। दिन भर कचरा पड़ा रहने की वजह से यहाँ गाय भी आने लगी हैं। रास्तों पर इन गायों से हादसे होने का भी खतरा है। किसी वाहन से टक्कर या फिर गाय ही किसी बाइक सवार पर हमला कर दे। सड़क किनारे कचरों के ढेर से लोगों को काफ़ी तकलीफ है। जिस वक्त कचरा प्राइवेट हुआ था उस वक्त कहा गया था कि मुंब्रा सुंदर मुंब्रा और स्वच्छ मुंब्रा बनेगा, लेकिन तस्वीरें देखें किस तरह से मुंब्रा स्वच्छ और सुंदर है। यहाँ पे हादसा हो सकता है, यहाँ पे महानगर पालिका जो है उसे ध्यान देना चाहिए ये सब चीज़ का। जैसे गाय सब यहाँ पे चलती है, एक्सीडेंट होने का बहुत डर है। और यहाँ पे जो रहवासी है वो लोग को भी बहुत तकलीफ है, इसलिए कचरा सब नीचे पड़े रहता है। हम यहाँ ऊपर सामने ही रहते हैं और पूरी बात आती रहती है। यहाँ पे खोज के रखे, काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो हम महानगर पालिका से यही कोशिश करते हैं बोलने की कि इसका सब कारण कुछ को सुझाव निकालो और यहाँ पे एक वेस्ट बिन लगाया जाए, क्योंकि लोग उसके अंदर सब कचरा डालेंगे, क्योंकि रोड पे पड़ा रहता है। यहाँ जितने भी रिक्शे से आते हैं सब छोड़ देते हैं कचरा इसे। तो हम बस यही चाहते हैं कि ये कचरा यहाँ से साफ हो जाए। अब हम आपको दूसरी तस्वीर दिखाते हैं जो तनवर नगर पुराना पेट्रोल पंप की सड़क किनारे, यहाँ भी कचरा है। लोगों को नाक बंद कर यहाँ से गुजरना पड़ता है। इतनी बदबू आती है कि यहाँ से रास्ता चलने वालों के लिए मुसीबत बना हुआ है। गंदा पानी जमा हुआ है जिससे रास्ता चलने वालों से लेकर आसपास रहने वालों तक भयंकर बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। कितनी गंदगी है आप तस्वीरें देखें, लोग नाक बंद कर यहाँ से गुजर रहे हैं। रास्ते में जो कचरा फेंके हैं ये गलत चीज़ है और इसका इंतज़ाम बाहर होना चाहिए। हम लोगों को बेहद तकलीफ पहुँच रही है और सारे लोगों को इस बात की बहुत तकलीफ है। इस कचरे को शहर से बाहर निकालना चाहिए और यहाँ जितने लोग गुजर रहे हैं सबको तकलीफ हो रही है, इससे तरह तरह की बीमारी भी हो सकती है। इसलिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि इस पर ध्यान दिया जाए। कहना यही है कि जो बाहर की कंपनी है यहाँ पे या जिसकी जिम्मेदारी ये है, इसको इसकी निगरानी होनी चाहिए कि जो कचरा फेंकते हैं रोड पे, ये रोड पे नहीं बल्कि इसको बाहर जाके फेंकें। इससे गंदगी फैलेगी, वबा फैलेगा, बीमारी फैलेगी और मुसाफिरों को बहुत काफ़ी दिक्कत आने जाने में। खासकर लेडीज को देख लीजिए आप, हर आदमी को देख लीजिए, हर एक कोई अपने नाक को दबा करके आ जा रहा है। तो हम ये कहना चाहेंगे इस पर ध्यान दिया जाए और यहाँ से कचरा को उठा करके गंदगी को सफाई करके कहीं इसको बाहर मुंतकिल किया जाए, फेंकने के लिए कचरा वगैरह जो शहर से थोड़ा दूर हो, ताकि शहर के अंदर बीमारी ना फैलने पाए, कोई वबा ना फैले, कोई बीमारी ना फैले, जिससे लोगों को आसानी पैदा हो, वो काम करना चाहिए। ना कि ऐसा काम करो जिससे लोगों को तकलीफ आने जाने में। हम ये कहना चाहेंगे। अब आपको वाई जंक्शन की तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ भी रोड किनारे कचरों की वजह से लोग परेशान हैं, वहीं बदबू से राहगीरों को काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। संजय नगर से वाई जंक्शन तक आपको इसी तरह का विकास देखेगा, मगर ये विकास कचरों और सड़क पर बदबू फैलाने वाला विकास है। शहर की कचरा उठाने की जिम्मा क्रिस्टल कंपनी का है, मगर इसी तरह सारा दिन कचरा पड़ा रहता है, जिसकी वजह से मुंब्रा शहर में भयंकर बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।